भारत के वृद्ध जन समाज यानी बुजुर्ग वर्ग सीनियर सिटीजन्स की हालत इस कोविड काल में कैसी रही है और उनकी सामाजिक आर्थिक और पारिवारिक स्थिति किस प्रकार से रही है उसके ऊपर एक संस्था ने बहुत व्यापक सर्वेक्षण किया है। हिंदुस्तान की प्रसिद्ध एज वेल फाउंडेशन संस्था ने जो दिल्ली में स्थित है उन्होंने एक सर्वेक्षण किया। यह सर्वेक्षण इसी साल अगस्त सितंबर में पूरा हुआ है। इसके जो नतीजे हैं वे बेहद व्यथित करने वाले हैं। यह सर्वेक्षण बताता है कि किस प्रकार से हमारे देश के जो बुजुर्ग हैं जो परिवारों के साथ रहते हैं कोविड काल में उनकी क्या दशा रही है। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट ये बताती है कि लगभग 75.8% ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि इस कोविड काल के जो 2 वर्ष हैं इसमें जो पीढ़ियों का अंतर है जो पहले से चला आ रहा है जो पीढ़ियों का अंतर जनरेशन गैप वह काफी चौड़ा हो गया है। वो पीढ़ियों का अंतर बढ़ गया है। ये बहुत हमारे देश के लिए एक शोचनीय विषय है। हमारे समाज के लिए सोचने का मुद्दा है ये कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। तो ये जो सर्वेक्षण है उन्होंने उनके जो इस फाउंडेशन के जो स्वयंसेवक हैं देश भर में उन्होंने ये 10,000 बुजुर्गों के बीच में जाकर सर्वेक्षण किया और उसमें से जो परिणाम सामने आए उसमें हर दूसरे बुजुर्ग ने यह स्वीकार किया कि इन पीढ़ियों के अंतर के कारण हमारे मानवाधिकारों पर कुठाराघात हुआ है। यह भी चिंता का विषय है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो फाउंडेशन है ये वर्षों से हमारे देश के जो वृद्धजन हैं उनकी परिस्थितियों के उनके 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 सामाजिक पुनर्वास के लिए उनके आर्थिक पुनर्वास के लिए उनके उनको एक अच्छा वातावरण प्रदान करने के लिए काम करता है। और इसको जो संयुक्त राष्ट्र है उनकी भी मान्यता है। संयुक्त राष्ट्र में यदि वृद्ध जनों के बारे में कोई भी चर्चा होगी तो एज वेल फाउंडेशन की अनुपस्थिति में वो संभव नहीं है। इसके लिए इसके जो सर्वे सर्वा हैं जिसको एक प्रमुख है हिमांशु रथ उनको बकायदा बुलाया जाता है वहां उनसे राय मशवरा के बगैर ही कोई आगे की रणनीति तय होती है। तो ये हमारे देश के लिए भी अच्छी गर्व की बात है कि हमारे देश में एक ये संस्था एक अच्छी संस्था काम कर रही है। और मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ इसमें कि ये जो हर दूसरे जो बुजुर्ग है हमारे देश के ये इनका जो कहना है कि हमारे साथ जो है मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है इनकी संख्या लगभग 53.4% है ऐसे लोगों की। और 81% ऐसे बुजुर्गवार है जिनका ऐसा मानना है कि यह जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है इस 2 वर्षों में इसका कारण ये पीढ़ियों के अंतर का और बढ़ जाना है। इसका भी मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि इसके कारण जो जो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं हमारे समाज में उसके कारण वो किस रूप में आ रहे हैं उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो जो सामाजिक विषमता है वो बढ़ती जा रही है, आर्थिक तंगी बढ़ी हुई है, इसके अलावा जो एक बुजुर्गों के प्रति जो अलगाव है वो भी बढ़ा है। तो हमारे यहाँ जो कोविड के कारण जो एक सामाजिक दूरी उत्पन्न हुई है लॉकडाउन के कारण, हालांकि वो लॉकडाउन आवश्यक था वो एक मजबूरी थी लेकिन समाज ने उसकी दूरी को जो बढ़ाया है और जो महामारी की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उसके कारण ये एक सामाजिक विषमता भी हमारे देश में आई है। हालांकि हमको इससे लड़ना होगा, हमको लड़ना चाहिए था और इसमें कहीं ना कहीं हमारी विफलता है कि समाज में ऐसी विषमता फैली है और इसको सुधारने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को और पूरे समाज को आगे आना होगा। तो मुझको ऐसा लगता है कि ये जो ये सारी विषमताएं हैं ये धीरे धीरे दूर होगी और युवाओं को उसके लिए हमें और प्रेरित करने की आवश्यकता है।